पुलिस रिमांड ये नाम सुनते ही साढ़े हाथ पैर कंबन लग जाते हैं, क्योंकि जो पुलिस रिमांड से कुट पैंदी है वह साड़ी सोच तो भी परे है कि अजिहा करना बिल्कुल सही हुंदा है कि रिमांड से पुलिस वालों कुटना एक रिमांड का ही हिस्सा है। रिमांड पुलिस कदों लैंदी है ते किन्ने टाइम का हुंदा है, रिमांड का पूरा प्रोसैस की हुंदा है ते पुलिस रिमांड से तुसीं कुट तो किवें बच सकते हो, अज की इस वीडियो दे विच आपां सारा कुछ जाणांगे। सो जुड़े रहो मेरे नाल, मैं तुहाडा हो जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो जो टीवी। सब तो पहले आप यह जान लेते हाँ कि रिमांड होंगे की है। असल जो कोई जुर्म होंगे है तो उस जुर्म के किसी का नाम आता है, यानी कि यह जुर्म किसने किया है, किसने करवाया है, तो जो पुलिस इस बारे पता करती है तो जो नाम सामने आता है तो उस इंसान को गिरफ्तार करने तो बाद पुलिस उस तो पूछगिछ करती है, तो जो पूछगिछ के दौरान उस इंसान के खिलाफ पुलिस को कोई ठोस सबूत मिल जाता है तो अरैसट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस को उस इंसान को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ता है, क्योंकि अजिहा करना जरूरी होंगे है। तो यह चीज CRPC सैक्शन 57 के अधीन की जाती है। इस कानून के अधीन जेकर कोई व्यक्ति किसी जुर्म के शामिल होता है तो पुलिस के कोल उसके खिलाफ ठोस सबूत ने तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है। तो फिर मजिस्ट्रेट यह चीज का डिसीजन लेता है कि जिहड़ा व्यक्ति पुलिस ने उसके सामने पेश किया है उसको रिमांड की जरूरत है या नहीं। रिमांड का मतलब होता है मान लो भी कहीं कोई अपराध होया है, जो मान लो कि किसी के नाल कोई मार कटाई हुई है तो जिहड़े डंडे के नाल सामने वाले इंसान के सट लगी है, पुलिस ने वह डंडा भी बरामद कर लिया, डंडे को मार वाला भी गिरफ्तार कर लिया है। इस केस दे विच कुछ भी अजिहा नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन करने बचा हुआ है, सब कुछ इस दे विच क्लीयर हो गया है। इस करके अजिहे केसां दे विच रिमांड नहीं मिलता, क्योंकि सारे सबूत ते गवाह बिल्कुल साफ ते सामने ने। अजिहे दे विच पुलिस दे कोल इन्वेस्टिगेशन करने कुछ बचा ही नहीं तो यह केसां दे विच रिमांड नहीं मिलता। हालांकि कई अजिहे केसां दे विच भी पुलिस रिमांड की मंग कर लेंदी है, पर मजिस्ट्रेट साहब के हाथ विच यह हुंदा है कि वह रिमांड दिंदे हन जां नहीं। हुण सवाल यह आउंदा है कि मजिस्ट्रेट साहब रिमांड आखिर पुलिस नूं कदों दिंदे ने ते किहड़े केसां दे विच दिंदे ने। मान लो कि किसी कोई इंसान मार कटाई करता है तो उस दौरान वह डंडे बंदूक या किसी होर हथियार की वरतों करता है, तो उसने मार कटाई करने तो बाद मान लो कि वह हथियार को कितने लुको दिता, या इस मार कटाई के उस मुजरम के नाल दो तो तीन लोग होर भी शामिल सन तो वह सारे भी कितने जाके हुण लुके हन। तो हुण पुलिस के सामने सारिया चीजा बिल्कुल साफ नहीं हैं, ना ही हुण पुलिस को सारे मुजरम मिले ने तो ना ही वारदात के वरत्या हुआ हथियार मिलया है। अजिहे दे विच पुलिस जो किसी इंसान को फड़ती है तो उस तो पुछगिछ करन दे लई पुलिस को टाइम चाहिए हुंदा है। यही कारण कारण जो मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस मुजरम लेके आती है तो वह मजिस्ट्रेट साहब तो रिमांड मंगते हैं ताकि जो इस मुजरम के नाल भजे हुए उसके साथी ने उन्होंने बारे पता किया जाए तो वारदात के वरत्या हुआ हथियार पुछगिछ के दौरान बरामद किया जाए। तो हमें मजिस्ट्रेट साहब के उपर होंगे है कि वह पुलिस को रिमांड देंदे हैं या नहीं। पुलिस रिमांड का टाइम ज्यादा तो ज्यादा 14 दिन का होंगे है, इस तो ज्यादा पुलिस किसी भी मुजरम को रिमांड के उपर नहीं रख सकती। हालांकि कुछ केस अजिहे भी होंगे जिथे 90 दिन का पुलिस रिमांड होंगे है, पर अजिहा बहुत घट केसा के होंगे है, ज्यादा तो ज्यादा 14 दिन का रिमांड ही पुलिस को दिता जाता है। तो 14 दिन के रिमांड से पुलिस की कर सकती है ते की नहीं, इस दे बारे बहुत सख्त कानून बनाए गए ने। हालांकि यह भी बिल्कुल सच है कि पुलिस इन्हां कानूनां नूं मानदी नहीं ते रिमांड ते लए गए इंसान दी ओह हालत खराब कर दिंदे ने। पर जेकर आपां कानून दे हिसाब दे नाल चलीए तां रिमांड दा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं हुंदा। पुलिस तुहानूं रिमांड दे उपर मार नहीं सकती है, बिल्कुल कानून दे खिलाफ है। कानून इंसान नूं रिमांड दे उपर इस लई भेजदा है कि तां कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। हालांकि कई बार सच बाहर कढ़ाउण दे लई पुलिस नूं भी पावर दी वरतों करनी पै जांदी है। इह गल तों भी आपां मुनकर नहीं हो सकते कि रिमांड के दौरान एक ना एक बार तो मुजरम को पुलिस के डंडे जरूर खाने पैंदे ने। ह्यूमन राइट के हिसाब के नाल अजिहा नहीं होना चाहिए, पर अजिहा जरूर होंदा है ते कोई भी इस दे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाउंदा। तुसीं मुजरम होवो या ना होवो, पर जेकर पुलिस तुहानूं हवालात दे विच रखदी है तां इस दे विच भी तुहाडे कोल कई अधिकार हुंदे ने, जिवें कि सैक्शन 54 के अधीन जदों तुहानूं पुलिस गिरफ्तार करदी है तां तुसीं उस दे सामने अपने मेडिकल करवाउण दी मंग रख सकदे हो, तां कि रिमांड तों बाद जदों उस इंसान नूं मजिस्ट्रेट साहब दे सामने पेश कीता जावे तां उन्हां नूं ओह दिखा सके कि जिहड़ियां सट्टां बज्जियां ने इह मेरे रिमांड तो पहला नहीं सन, ये इन्होंने रिमांड के दौरान मेरे मारिया ने, जानी कि पुलिस मुलाजमान ने मेरे मारिया ने। क्योंकि कई बार अजिहा होंदा है जो रिमांड के दौरान पुलिस किसी की मार कटाई करती है तो उस इंसान के सट्टा लग जाती है, पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के सामने यह कह दिंदी है कि इसके सट्टा तो जी पहला लगिया हुई सन रिमांड लैण तो पहला ही। इसलिए जेकर तुहानू पुलिस गिरफ्तार करती है तो तुसीं रिमांड तो पहला अपना मेडिकल जरूर करवा लो, तो कानून तुहानू इस चीज़ की इजाजत दिंदा है। जेकर किसी इंसान के थाने विच कुट पैंदी है तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने यह चीज़ भी कह सकता है कि तुसीं थाने दे जी CCTV चेक कर लो, मेरे उत्थे मार कटाई हुई है, मैनू रिमांड के दौरान उत्थे कुटिया गया है। तुहाडे अजिहा कहण तो बाद पुलिस नूं थाने दी CCTV फुटेज मजिस्ट्रेट साहब नूं जरूर दिखाउणी पवेगी। जदों रिमांड दा टाइम खत्म हो जांदा है तां पुलिस वाले मुजरम नूं मजिस्ट्रेट साहब दे सामने फिर तो पेश करदे ने, ते हुण ओह डिपेंड करदा है मजिस्ट्रेट साहब दे उपर ओह उस इंसान नूं जमानत दिंदे ने जां नहीं। जेकर उन्हां नूं लगदा है कि इन्हां दा जुर्म वड्डा है, इस नूं जमानत नहीं देनी चाहीदी, तां ओह उस नूं जुडिशियल कस्टडी दे विच भेज दिंदे ने। ते इस तों बाद दौर शुरू हुंदा है जी जमानतां लाउण दा, जदों मुजरम दा वकील जमानतां लाउंदा है ते अगे प्रोसैस दे विच
जा के उसनू हौली हौली जमानत मिल जाती है, ट्रायल शुरू हो जाता है, तो यह एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसैस है। इसलिए तुम जिंदगी दे विच कुछ भी करो पर कानून नू कदे भुल के भी ना तोड़े, क्योंकि जेकर तुसी एक बार इस चक्कर दे विच फस गए तो तुहाडी सारी जिंदगी कोर्ट कचहरियां दे विच निकल जाएगी। किसी नू माड़ा चंगा बोलण तो पहला, किसी दे नाल उलझण तो पहला, किसी दे नाल कुछ भी करन तो पहला, एक बार अपने परिवार बारे, एक बार अपने फैमिली बारे, एक बार अपने काम धंधे बारे जरूर सोच लेना, क्योंकि नहीं तुसी इह सारियां चीज़ां तो दूर हो जाओगे। तो असल आजादी की कीमत तुहानू उदों पता लगेगी जदों तुसी जेल दीआं चार दीवारियां दे विच खड़े होवोगे। इस जी रिमांड बारे कुछ जानकारी, तुहानू साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसना, ते साडे यूट्यूब चैनल जोड़ टीवी जरूर सबसक्राइब करना। धन्यवाद।